दुनिया में अगर सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो वो है इमाम हुसैन। आज हम आपको विटकोस न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन थे इमाम हुसैन और आखिरकार सिया मुसलमान क्यों मनाते हैं उनका मातम। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कौन थे इमाम हुसैन और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आज भी मुसलमानों का एक बड़ा फिरका इमाम हुसैन को याद करके सीनाजनी करता है। इमाम हुसैन इस्लाम के स्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे यानी नाती थे। हजरत अली और फातिमा जहरा के बेटे थे। उनका जन्म सन 626 में मदीना शहर में हुआ था। उन दिनों इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रमुख नेता हुआ करते थे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि खलीफा नेता हुआ करते थे, राजा नहीं। पैगंबर साहब के गुजरने के बाद चार खलीफा चुने गए थे। इन चार खलीफाओं के शासन के 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में अत्याचार का एक दौर आया। मक्का और मदीना से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, मगर यजीद बादशाहों की तरह काम करता था और यजीद वो सारे काम करता था जिसको इस्लाम में हराम बताया गया है। इसलिए इमाम हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि इमाम हुसैन अगर यजीद को खलीफा मानने से इनकार करते हैं तो दुनिया के बाकी मुसलमान भी उसको कतई खलीफा नहीं मानेंगे, क्योंकि इमाम हुसैन पैगंबर साहब के नवासे होने के साथ साथ एक पाक शख्सियत भी थे। यजीद को मालूम था कि अगर उसे खलीफा बने रहना है तो इमाम हुसैन को खुद के पक्ष में करना पड़ेगा और उनसे मनवाना पड़ेगा कि वही खलीफा है। इसके लिए यजीद ने मदीना के राज्यपाल के नाम एक फरमान लिखा कि तुम हुसैन को मेरे आदेश का पालन करने को कहो और उनसे कहो कि वो मुझे बैत दे यानी खलीफा मान ले, और अगर वो मेरे फरमान को मानने से इनकार करते हैं तो उनका सिर काट के मुझे भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को बुलाकर यजीद का फरमान सुनाया। उस पर इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा के रसूल की बातों को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। मुझे मालूम है कि यजीद ऐसा इंसान है जो इस्लाम को मानने की बात तो करता है मगर साथ साथ वो सभी चीज़ें करता है जो इस्लाम में हराम बताई गई है। वो शराब पीता है, लोगों पे जुल्म करता है, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है, हर वो चीज़ करता है जो हराम है। तुम भी उसे खलीफा कैसे मान सकते हो? इस वाकये के बाद इमाम हुसैन हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे, मगर वहां यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए अपने सैनिकों को यात्री बनाकर भेज दिया। इस बात का पता इमाम हुसैन को चल गया। मक्का एक ऐसी पाक जमीन है जहां किसी का भी कत्ल करना हराम है, मगर इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मक्का की जमीन का लिहाज करते हुए इमाम हुसैन अपनी हज पूरी किए बिना उमराह करके परिवार के साथ इराक चले गए, क्योंकि इराक के लोगों ने हुसैन को कई खत लिखे थे वहां जाके उनकी खैर ख्वाही करने के लिए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला पहुंचे। वहां उनको यजीदी फौज ने रोक लिया। मुहर्रम की 7वीं तारीख तक इमाम हुसैन पर पानी बंद करने का हुक्म आ गया, यानी हुसैन और उनके साथियों को भूखा प्यासा रखने का फरमान यजीद ने जारी कर दिया ताकि इमाम हुसैन यजीद को बेअत देने के लिए तैयार हो जाए। 9 तारीख तक हुसैन यजीदी फौज को सही रास्ते पर आने के लिए समझाते रहे, मगर यजीदी फौज ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार हुसैन ने फौज से अल्लाह की इबादत के लिए एक रात की मोहलत मांगी। अगले दिन जंग शुरू हुई, एक ऐसी जंग कि जहां एक तरफ 72 सहदा थे तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में यजीदी फौज थी। उस यजीदी फौज की जुल्म की इंतहा ये थी कि इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे को भी उन्होंने नहीं बख्शा। सभी सोहदा जब शहीद कर दिए गए तो इमाम हुसैन अकेले पड़ गए। तब फिर फौज के सेनापति ने हुसैन से कहा कि अभी भी वक्त है, यजीद को खलीफा मान लो तो शायद यजीद आपको बख्श देगा। हुसैन ने जवाब में कहा कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा और मैं इस्लाम को मिटने नहीं दे सकता। तू भले ही मेरी जान ले ले मगर मैं जुल्मी यजीद को कभी भी खलीफा नहीं मान सकता। इस बात से गुस्सा होकर यजीद के सेनापति सिमर ने जख्मों से चूर हुसैन को अपने पैरों से ठोकर लगाकर जमीन पर गिरा दिया और एक खंजर से 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन के सर को धड़ से अलग कर दिया।
मगर उसके जुल्म की इंतहा तो तब हो गई कि जब इमाम हुसैन का कत्ल कर देने के बाद उनके धड़ को फौज के घोड़ों के पैरों के तले रौंद दिया गया, उनके कटे हुए सर को भालों की नोक पर ऊंचा किया गया, उनके घर की औरतों के साथ इतनी बदसुलूकी की गई कि हम उसे बयां भी नहीं कर सकते। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इमाम हुसैन के कुर्बानी के दिन को आसूरा यानी मातम का दिन कहा जाता है और सिया मुसलमान आसूरा के दिन इमाम हुसैन और उनकी कुर्बानी को याद करके मातम मनाते हैं। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम विस्तार के करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों को दफन किया गया है। आज करबला मुसलमानों के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल है और हर साल बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए पहुँच जाते हैं। यह थी विटकोस्ट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।